हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। जो न्यू सिलेबस आ गया है उसका चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और जो उसके फॉर्मूलेज हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और आपको कम्प्लीट सोल्यूशन मैं दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। बट आपको जैसे मालूम है कि 11th स्टैंडर्ड में आपने इसका बेसिक किया हुआ डिफरेंशिएशन का, तो उसके ही बेस पे जस्ट मैं आपको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन देखो लेता हूँ यहाँ पे। इफ़ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इज नोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, x का फंक्शन रहेगा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, y इक्वल एफ ऑफ x दिया रहेगा तो इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx लिखते हैं हम लोग, या तो फिर हम लोग इसको f डैश ऑफ x भी लिखते हैं। 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किया हुआ है, तो वही सेम फॉर्मूले मैं यहाँ पे रिवाइज्ड करता हूँ और कुछ आपको एडवांस लेवल का भी सिखाता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे टोटल जो है 8 फॉर्मूलेज हैं, तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, इसको और कैसे रीड कर सकते हो आप, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। अब यहाँ पर n क्या रहेगा, n इज़ एनी रियल नंबर और x क्या आपका है वेरिएबल है, तो जो बेस है बेस में x रहेगा वेरिएबल रहेगा और यहाँ पे नंबर्स रहेगा कुछ भी, तो उसका आंसर होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फार्मूला देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x। अब a मीन्स वॉट, a इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, a का वैल्यू जो है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है, और x क्या है आपका वेरिएबल है वो फिक्स रहेगा, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। अब देखो ये जो दोनों है फंक्शन, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस में x है और यहाँ पे पावर में नंबर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका देखो बेस में नंबर है और पावर में x है, तो दोनों डिफरेंट फार्मूला है, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। थर्ड फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, तो x क्या है वेरिएबल है पावर में और e जो बेस में है, e का मीनिंग होता है इरेशनल नंबर, e इज एन इरेशनल नंबर और e का वैल्यू आपको मालूम है 2.71828 होता है, रिकरिंग डेसिमल है वो। फोर्थ देखो यहाँ पे दिया है d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो आपको ध्यान में रखना है log x का डेरिवेटिव ऑलवेज आएगा 1/x। देन फिफ्थ फॉर्मूला इज d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। सिक्स फॉर्मूला इज d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x2। सेवन्थ फॉर्मूला इज d बाई डी एक्स ऑफ kx, के एक्स का डेरिवेटिव, के क्या है एनी नंबर एनी कांस्टेंट है, के इंटू एक्स का डेरिवेटिव के आता है, दैट मीन्स व्हाट, अगर एक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा तो उसका डेरिवेटिव वो नंबर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 10x का डेरिवेटिव 10 आएगा। क्वेश्चन है 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 5x का डेरिवेटिव 5। -100x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -100। दैट मीन्स x का जो कोएफिशिएंट होता है वही उसका डेरिवेटिव रहता है। और देखो यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ के, के मीन्स होता है एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर रहेगा वो, दैट मीन्स वहाँ पर x मल्टीप्लाइड नहीं रहेगा, x का फंक्शन वहाँ पर नहीं रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। सिंपली सपोज मैंने पूछा व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 10, आप जीरो बोलोगे बिकॉज 10 कांस्टेंट है वहाँ पे x नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ -100 जीरो, डेरिवेटिव ऑफ 2/3 जीरो आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये जितना भी मैंने आपको ये 8 फार्मूला दिया है, सेम फार्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है।
अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कोई भी सम्स सॉल्व करने के लिए सर्टन रूल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं एक बार देखो रिवाइज कर देता हूँ, हालांकि आपने रूल्स वगैरह जो कुछ भी है 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक रिवाइज कर देता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। तो यहाँ पर देखो दिया रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इफ़ यू एंड वी आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, दैट मीन्स वॉट, यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, देन फर्स्ट रूल यहाँ पर दिया, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल दिया है। इफ वाई इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, यू क्या है एक्स का फंक्शन रहेगा और वी क्या रहेगा वो भी एक्स का फंक्शन रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग। देन डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। सिंपल मीनिंग क्या है, जितना भी टर्म्स दिया रहेगा हर एक टर्म्स को आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो दो टर्म्स था तो दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, अगर यहाँ पे तीन टर्म्स रहेगा तो तीनों को अप्लाई होगा डेरिवेटिव, फोर टर्म्स रहेगा तो फोर को अप्लाई होगा। दैट मीन्स व्हाट, जितना भी टर्म्स रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हर एक टर्म्स को हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। सेकेंड रूल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन रूल, या इसको हम लोग बोलते हैं यू इंटू वी रूल ऑल्सो। दैट मीन्स जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा सो ऑलवेज वी हैव टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल, दैट इज यू इंटू वी रूल। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला रूल्स, इफ वाई इक्वल टू यू इंटू वी देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले यू आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको डिफरेंट वे से भी लर्न कर सकते हो, dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट पार्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस वे ऑल्सो यू कैन लर्न। थर्ड रूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं हम लोग डिविजन रूल, या तो उसको बोलते हैं हम लोग कोशेंट रूल, और यू कैन से यू अपॉन वी रूल। दैट मीन्स वॉट, एक्स का दो फंक्शन जब डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तो ऑलवेज वहाँ पर डिवीजन रूल आता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है इफ़ वाई इक्वल टू यू अपॉन वी देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सा ये फॉर्मुलेज जो है बाहर करना पड़ेगा, इन द सेंस लर्न करना पड़ेगा उसको। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। सो अगर डिवीजन रूल रहेगा तो बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना है आपको, और अगर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर रहे हो तो प्लस आता है वहाँ पे। तो ये तो रूल्स हो गया, यहाँ तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट मैंने रिवाइज किया। यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा एडवांस क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हम लोग अभी देखते हैं हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मीन्स व्हाट, एक्स नहीं रहेगा। देखो अगर आपका एक्स दिया है तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। देखो यहाँ पर एक्स दिया है तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, एक्स है यहाँ पर, एक्स है एक्स है, दैट मीन्स अगर एक्स दिया रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एक्स के प्लेस पे कुछ और रहेगा, कुछ और रहेगा मतलब एक्स का कोई फंक्शन रहेगा, जैसे कि एक्स के प्लेस पे 2x प्लस 3 है, या एक्स के प्लेस पे आपको दे दिया है log x दे दिया है, ऐसा कुछ दे दिया है आपको, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रूल है, उसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। एक तो चेन रूल से सॉल्व होगा, या तो फिर उसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा सम। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ सी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंपोजिट डेरिवेटिव फॉर्मूले, इफ़ y इक्वल टू f ऑफ u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल टू g ऑफ x इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स व्हाट, y जो है वो u का फंक्शन है एंड u x का फंक्शन है, देन फॉर्मूला देखो ये है dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है dy वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू अपॉन डी एक्स। That means अगर आपको find out करना है derivative of y with respect to x, तो सबसे पहले आप find out करोगे derivative of y with respect to u,
देन फाइंड आउट करोगे डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और उसका मल्टीप्लाई कर दोगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चेन रूल. हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल. ठीक है, चेन रूल. तो डिफरेंशिएशन में फंक्शन अगर कंपोजिट है, कंपोजिट मीन्स व्हाट, इन प्लेस ऑफ एक्स कुछ और दिया रहेगा, एक्स का फंक्शन दिया रहेगा, सो यू कैन यूज़ द चेन रूल. या तो आप चेन रूल यूज़ करो या तो फिर उसको डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो. नाउ सी हियर, देखो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस क्या है डेरिवेटिव्स के. तो यहाँ पर देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा है, डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो फर्स्ट देखो यहाँ पे है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, आपको ध्यान में रखना है. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स. फोर्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. तो ये हो गया आपका सिक्स स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का डेरिवेटिव. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया. अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कंपोजिट का मीनिंग होता है एक्स के प्लेस पे एक्स का कुछ फंक्शन दिया रहेगा. तो मैंने यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स अज्यूम किया हुआ है. तो देखो फर्स्ट फार्मूला है साइन एफ ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स का फंक्शन रहेगा. तो इन जनरल मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है. तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. दैट मीन्स फॉर्मूला सेम यूज होगा, बट जो एक्स के प्लेस पे जो एफ ऑफ एक्स रहेगा, मतलब जो एक्स का फंक्शन रहेगा, उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करते जाना है. सेम वे हियर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स, तो कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. थर्ड फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एफ ऑफ एक्स, तो टैन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स, तो कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. फिफ्थ देखो यहाँ पर दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स, तो सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. नेक्स्ट आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एफ ऑफ एक्स, तो कॉसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फॉर्मूले ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देखो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले वहाँ पे देखो मैंने दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन. अपना जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है वो एक्स रेस टू एन रहता है, बट एक्स के प्लेस पर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यूज किया हुआ है. तो एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. दैट मीन्स फॉर्मूला स्टैंडर्ड ही यूज होगा, बट अदर देन एक्स जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करते जाना है. सेकंड देखो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, तो ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. थर्ड फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको मालूम है e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, तो e रेस टू f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस टू f ऑफ x आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ दिस f ऑफ x. नेक्स्ट देखो फोर्थ फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ रूट f ऑफ x, तो आपको मालूम है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स. जो एक्स नहीं है उसका डेरिवेटिव आपको इंटू करते जाना है. सो दैट्स वाई यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया. फिफ्थ फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स. अभी आपको मालूम है अगर लॉग एक्स रहेगा तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, बट यहाँ पे लॉग एफ ऑफ एक्स है तो फॉर्मूला सेम आएगा. लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, बट इंटू करना है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सिक्स्थ वन फॉर्मूला देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एफ ऑफ एक्स. अभी आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्मूला वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सो सेम वे वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ये हो गया कंपोजिट डेरिवेटिव्स फॉर्मूले.
सो मैंने जितना भी फॉर्मूला दिया है इसके बेस्ड पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना तो ही आपको समझेगा पूरा कॉन्सेप्ट। मैं इस वीडियो में 12 साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। तो मैं एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर्मूलेज, रूल्स, एवरीथिंग मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अपने को x का फंक्शन दिया है और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। देखो, फर्स्ट सब क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेज टू 5 दिया है आपको। दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन है वो x रेज टू n के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का उससे कंपेयर करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिया था x रेज टू n का डेरिवेटिव। तो ये जो फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है वो x रेज टू n के फॉर्म में है। x के प्लेस पे क्या दे दिया है, ये पूरा वैल्यू आपको दे दिया है। x के प्लेस पे x का फंक्शन दिया है। तो यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट हियर d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3 माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेज टू 5। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका 5, x के प्लेस पे है x क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 5 माइनस वन। तो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ हुआ, बट ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, x का कंपोजिट फंक्शन है ये। सो इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3 माइनस टू एक्स माइनस वन। दिस वे दैट मीन्स x के प्लेस पे जो भी x का फंक्शन यूज हुआ रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू 4 हो जाएगा इंटू। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म देखो, x रेज टू 3 का डेरिवेटिव, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x रेज टू 3 माइनस वन आएगा, देन माइनस हियर 2x। तो आपको मालूम है 2x का डेरिवेटिव 2 होता है बिकॉज kx का डेरिवेटिव k। तो माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 तो कॉन्स्टेंट हो तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 5x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन है, y को टू दिया 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 होल रेज टू 5 बाई 2 दिया है। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट है वो बेस में है और वो x का फंक्शन है और पावर में आपको नंबर दिया हुआ है। दैट मीन्स ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम लोग f ऑफ x अज्यूम करेंगे। तो ये x रेज टू n के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट स्टेप आपको मालूम है क्या करना है, जस्ट आपको लिखना है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 और ये माइनस 5 है होल रेज टू, ये 5 बाई 2 हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, n होता है, n मीन्स 5 बाई 2 और यहाँ पे 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5 होल रेज टू आएगा 5 बाई 2 माइनस 1 आएगा। x रेज टू n का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, बट आपको यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा। इंटू आएगा d बाई डी एक्स ऑफ, देखो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो x रेज टू n के लिए है बट x के प्लेस पे ये पूरा फंक्शन दिया है यहाँ पे। तो d बाई डी एक्स करना पड़ेगा 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 बाई 3 माइनस 5। तो हमने फॉर्मूला वही यूज़ किया है x रेज टू n का, बट x के प्लेस पे जो कुछ भी रहेगा कंपोजिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 5 बाई 2 इंटू 2 एक्स रेज टू 3 बाई 2 एज इट इज़ रहेगा माइनस 3 एक्स रेज टू 4 बाई 3 एज इट इज़ रहेगा माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा।
पावर में आपको दिया है 5/2 - 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 - 2 ये हो जाएगा आपका 3/2 × ब्रैकेट। ब्रैकेट में तीन टर्म्स है तो तीनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम लोग। तो मैं देखो आंसर लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ये 2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, कोएफिशिएंट है। x^3/2 का डेरिवेटिव आएगा 3/2 × x^3/2 - 1 आएगा, देन माइनस हियर सेम वे 3x^4/3, तो 3 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। x^4/3 में x^n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 × x^4/3 - 1 हो जाएगा, देन -5, तो -5 में कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। तो सिंप्लीफाई करके देखो मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, सो दिस इज 5/2 × 2x^3/2 - 3x^4/3 - 5 / 3/2 में देखते क्या आता है यहाँ पे, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 3x^3/2 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 - 2 ये हो जाएगा 1/2, तो 3x^1/2 हो गया ये, देन माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 4x^4/3 - 1 करेंगे तो 4 × 4 - 3 ये हो जाएगा आपका 1/3 दिस वे, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो dy/dx का ये वैल्यू आएगा, सब सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है y√x2 + 4x - 7, तो ये जो क्वेश्चन है वो रूट एक्स के फॉर्म में है, तो आपको मालूम है रूट एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है 1/√x, बट x के प्लेस पे x का कंपोजिट फंक्शन यूज़ किया है x2 + 4x - 7, तो हम लोग रूट एक्स का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हम लोग d/dx लिखेंगे, d/dx ऑफ अंडर रूट दिस इज x2 + 4x - 7 हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो आपको मालूम है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√x, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट दिस इज x2 + 4x - 7 हो गया, इनटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ, देखो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रूट एक्स के लिए है बट एक्स के प्लेस पे ये पूरा कंपोजिट फंक्शन उसका दिया है x2 + 4x - 7, तो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ हो जाएगा ये x2 + 4x - 7 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट दिस इज x2 + 4x - 7 इनटू d/dx ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो d/dx ऑफ x2 आपको मालूम है x^n का फॉर्मूला आएगा, सो दिस इज nx^n - 1 फॉर्मूला हो गया, प्लस d/dx ऑफ 4x, तो 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, माइनस d/dx ऑफ 7 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं अभी, ये हो जाएगा आपका 2x + 4 यहाँ पर डिवाइडेड बाय आएगा 2 × √x2 + 4x - 7, तो थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज नाउ देखो न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिया है आपको 2x + 4 मिला है, तो आई कैन टेक 2 कॉमन ऑल्सो, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचेगा आपका 2 times अंडर रूट है यहाँ पे x2 + 4x - 7 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू x + 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x2 + 4x - 7, तो ये सब सॉल्व हो गया। सी देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू दिया है आपको √x2 + अगेन अंडर रूट है x2 + 1 दिया है, सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सो दिस इज dy/dx इक्वल टू फर्स्ट स्टेप पे हम लोग d/dx लिखेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका d/dx ऑफ यहाँ पे जो भी दिया है फंक्शन √x2 + √x2 + 1 ये हो गया, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू नाउ सी हियर, अभी ये जो फंक्शन दिया है अंडर रूट सम फंक्शन ऑफ x है, मतलब अगर आप ये बिग रूट को कंसिडर करोगे तो अंडर रूट ये पूरा f(x) रहेगा आपका फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर रूट एक्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, बट x के प्लेस पे ये पूरा कंपोजिट फंक्शन आएगा आपका,
सो आई विल राइट हियर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 times under root, ये सेम थिंग आएगा, x square plus under root x square plus 1, बट इनटू करना पड़ेगा आपको यहाँ पर d/dx of x square plus under root x square plus 1, ऐसे करना पड़ेगा, बिकॉज अंडर रूट जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा वो x का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई होगा. तो नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करते हैं अभी, देखो. सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 times under root x square plus 1 एज इट इज रहेगा इनटू. अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है x square plus under root this, तो दोनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो इसका हम लोग लिखेंगे. नाउ सी हियर, डेरिवेटिव ऑफ x square, तो डेरिवेटिव ऑफ x square आपको मालूम है 2x हो जाएगा प्लस. अब देखो इसको डेरिवेटिव अप्लाई करना है, अंडर रूट x square plus 1 को अप्लाई करना है, तो ये भी अंडर रूट x का फंक्शन दिया है, तो रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव यूज होगा. तो रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/2 root f(x) / d/dx of f(x), तो ये हो जाएगा आपका 1/2 root x square plus 1 / 2 root f(x) इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx of x के प्लेस पे क्या यूज़ किया इन्होंने x square plus 1, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर देंगे दिस वे. सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो आपका 1/2 under root x square plus under root x square plus 1 इंटू यहाँ पर दिया आपको 2x plus. नाउ दिस इज 1/2 under root x square plus 1 ऐसे रहेगा इनटू ब्रैकेट में, देखो आपको दिया d/dx of x square plus 1, तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x square का 2x आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x, तो ये 2 और ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा. सो देखते हैं यहाँ पे क्या बचता है. सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे लिखा है under root x square plus under root x square plus 1 हो गया ये दिस वे, इनटू ब्रैकेट में देखो यहाँ पर 2x plus, यहाँ पे क्या बच रहा है देखते हैं हम लोग, यहाँ बच रहा है आपका x, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या बच रहा है under root x square plus 1, यहाँ पर बच रहा है. तो हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने का. सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/2 times under root एज इट इज रहेगा x square plus under root x square plus 1 इंटू ब्रैकेट, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा आपका 2x into under root x square plus 1 plus x हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय under root x square plus 1. देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया, फिफ्थ सब क्वेश्चन है, 3/5 into cube root of 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 5 दिया हुआ है. तो इसको डिफरेंशिएट करने के पहले थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये क्यूब रूट थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको. सो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका y = 3/5, ये 5 इंटू तो एज इट इज़ रहेगा. अब देखो यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिया है, तो क्यूब रूट को हम लोग पावर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी एक्चुअली 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 5 यहाँ पर दिया हुआ है, क्यूब रूट को निकालना है. तो जब आप क्यूब रूट को निकालोगे तो ये होल पावर आपको लिखना पड़ेगा, raised to 1/3 लिखना पड़ेगा दिस वे. सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, y = 3/5, ये हो गया आपका 5 into, ठीक है. ब्रैकेट में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 2x square minus 7x minus 5 whole raised to, नाउ सी हियर, अब ये पावर का पावर है, तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 into 1/3, तो आई कैन राइट दिस एज अ 5/3 हो गया. थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका y = 3/5 एज इट इज़ रहेगा. नाउ सी अपॉन में देखो यहाँ पे पावर क्या दिया, 5/3, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, 2x square minus 7x minus 5 और होल रेस टू माइनस 5/3 हो जाएगा. तो मैंने अपॉन में जो डिनोमिनेटर में पावर था प्लस 5/3, न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो माइनस 5/3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है. अब ये देखो जो क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाइड हो गया, और एक बार क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया तो हम लोग डेरिवेटिव इजीली अप्लाई कर सकते हैं. सो अभी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये.
So this is dy upon dx equal to, now see here, राइट हैंड साइड में 3/5 x के फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो 3/5 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, 3/5 को आपको एज इट इज लिखना है, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू डेरिवेटिव आपका x के फंक्शन को अप्लाई होगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ ये लिखना पड़ेगा आपको, सो d बाय डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 7x हो जाएगा माइनस 5, और ये होल रेस्ट हो जाएगा आपका माइनस 5/3 हो जाएगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू 3/5, मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। अब ये जो फंक्शन है वो x का देखो कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पर x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेस टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका n मीन्स माइनस 5/3 n इंटू ये है 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेस टू माइनस 5/3 माइनस 1, बट आपको यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा d बाय डी एक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स x के प्लेस पे जो लिखा रहेगा, तो x के प्लेस पे ये पूरा आपको फंक्शन दिया है, तो आई विल राइट ये d बाय डी एक्स ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5 हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 कैंसिल होगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 7x है माइनस 5 है होल रेज टू, पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5 और माइनस 3 ये हो जाएगा आपका माइनस 8/3, ये हो जाएगा माइनस 8/3 इंटू ब्रैकेट में देखो आपका यहाँ पे आपको करना है d बाय डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जितना टर्म्स है हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x², तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, तो 2x इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x आपको मालूम है 7 आएगा और माइनस 5 तो कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो देखो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, नाउ सी हियर, अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो रेसिप्रोकल लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/1 लिख सकते हैं हम लोग ये 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेस टू यहाँ पर प्लस 8/3 हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 4x माइनस 7। तो फाइनल आंसर देखो मैं ये वैसे लिख देता हूँ, माइनस ब्रैकेट में 4x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेस टू प्लस 8/3। तो ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले ध्यान में रखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ सी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 सब क्वेश्चन है, y इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/ अंडर रूट 3x माइनस 5 होल रेस टू 5 दिया है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, जो ब्रैकेट है थोड़ा ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का, थोड़ा ईजी करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रूट 3x माइनस 5 है तो मैं इसको पावर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 होल रेस टू, आप इसको हाफ भी लिख सकते हो माइनस, दिस इज ऑल्सो 1/ अंडर रूट 3x माइनस 5 है, सो आई कैन राइट हियर 3x माइनस 5 रेस टू यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं, और ये देखो ब्रैकेट पूरा क्लोज है और यहाँ पे होल रेस टू 5 दिया हुआ है आपको। तो अभी एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे, सो दिस आई कैन राइट y इक्वल्स टू ब्रैकेट 3x माइनस 5 यहाँ पर होल रेस टू हाफ दिया हुआ है माइनस, अब देखो अपॉन में है 3x माइनस 5 रेस टू हाफ, तो अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस आई कैन राइट 3x माइनस 5 होल रेस टू हो जाएगा आपका माइनस हाफ और यहाँ पे रेस टू पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इजिली, बिकॉज ये पूरे ब्रैकेट का पावर 5 दिया हुआ है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा आपका x का कंपोजिट फंक्शन रहेगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, सो दिस आई विल राइट dy अपॉन dx इक्वल टू x रेस टू n का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 5 रेस टू हाफ माइनस 3x माइनस 5 रेस टू माइनस हाफ और यहाँ पे होल रेस टू आएगा आपका 5 माइनस 1 मतलब ये 4 हो जाएगा, देखो इंटू हो जाएगा आपका d बाय डी एक्स ऑफ ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इंटू d बाय डी एक्स ऑफ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट एंड दिस इज 3x माइनस 5 होल रेस टू हाफ माइनस
दिस इज़ 3x माइनस 5 होल रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा दिस वे, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने एफ ऑफ एक्स कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व करते देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 5 इंटू ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3x माइनस 5 होल रेज टू यहाँ पर हाफ लिखेंगे हम लोग माइनस, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 होल रेज टू यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा एंड दिस इज होल रेज टू 4 एज इट इज रहेगा इंटू, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। देखो अभी ब्रैकेट में दो टर्म है तो दोनों भी टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। सो दोनों भी फंक्शन में x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1, दैट मीन्स हाफ माइनस 1 हो जाएगा। इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, बिकॉज x के प्लेस पे 3x माइनस 5 यूज़ किया है, तो 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ये माइनस एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, ये हो जाएगा n, n का वैल्यू कितना दिया माइनस हाफ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस हाफ लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा आपका हाफ n x रेज टू n माइनस 1 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ माइनस 1 हो जाएगा। बट इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3, सो आई विल राइट हियर 3 और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग। सो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू नाउ ये हो जाएगा आपका 5 इंटू ब्रैकेट का टर्म है 3x माइनस 5 रेज टू हाफ, ये तो एज इट इज रहेगा, देन माइनस हियर 3x माइनस 5 होल रेज टू माइनस हाफ, ये भी एज इट इज रहेगा एंड द होल पावर यहाँ पे 4 दिया है, देन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट हियर। नाउ सी यहाँ पे देखते कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है क्या, नाउ सी हाफ यहाँ पर भी है हाफ यहाँ पर भी है 3 इंटू और ये 3 इंटू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 इंटू हाफ दैट मीन्स 3 बाई टू और यहाँ पर भी 3 इंटू हाफ 3 बाई टू, तो आई कैन टेक 3 बाई टू कॉमन हियर, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ब्रैकेट से 3 बाई टू को देखो, तो हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट से 3 बाई टू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो मैं 3 बाई टू कॉमन निकाल लेता हूँ, देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है आपका, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 5 होल रेज टू हाफ माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ देन प्लस दिस विल बी 3x माइनस 5, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 होल रेज टू माइनस 1 बाई टू माइनस 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका 3 बाई टू हो जाएगा दिस वे, तो ये सिंप्लीफाइड हो गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया है, थोड़ा मैं इसको और भी सिंपल कर सकता हूँ, मतलब रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, तो अगर आप इसको रूट में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर मिलेगा 5 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 5 रेज टू हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3x माइनस 5 हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट हो जाएगा 3x माइनस 5 हो जाएगा दिस वन और ये रेज टू 4 आपको दिया था एज इट इज रहेगा इंटू यहाँ पर है देखो आपका 3 बाई टू और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ है, सो दिस आई कैन राइट 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और ये 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 3 बाई टू है, तो इसको दिस में आई कैन राइट 1 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 3x माइनस 5, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। आप एक स्टेप और लिख सकते हो 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बाई टू आ जाएगा, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 6 सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा, सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर द watching.